हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज हम TSO कर रहे हैं, ये वाला TSO कर रहे हैं, और ये इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं, और ये इसमें यूरिया मिला रहे हैं, और हम कितना कितना रेशो डाल रहे हो आपको बताएंगे हम इसके बाद वीडियो में। तो आप लोग पूरी वीडियो पूरी देखें, जो लोग नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी न्यू अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो चलो आप लोग देखो वीडियो को और मिलते हैं लास्ट में। तो दोस्तों, ये हम स्प्रे कर रहे हैं TSO। तो गाइस, अब इसमें हम दवाई मिलाएंगे, आपको बताते हैं किस तरह से दवाई मिलानी है इसमें और कितनी कितनी रेशो डालना है आपने, तो आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस, इसमें हमने लाया है घर से, इसमें हमने लाया हुआ है 4 लीटर, हम डाल रहे हैं 4 लीटर, 4 लीटर डाल रहे हैं हम TSO। कोई 5 डालता है, कोई 6-7 भी डाल देता है, पर हम 4 डाल रहे हैं। ये देखो गाइस, पानी से इस तरह का हो जाता है वाइट। ये एक ऑयल ऑयली है, तो आप लोगों को 4-5 लीटर TSO डालना है। और इसमें अभी हम ऐड करेंगे 2 किलो यूरिया, ये तो अभी 800 ml है, तो हम इसमें 2 किलो डालेंगे पूरा। अभी ला रहे हैं, हम भूल गए थे लाना, तो इसमें यूरिया डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें कीटनाशक, ये हमने कीटनाशक लिया है कोई बान 20% EC, जो EC हो गए 20%, वो पड़ेगा एक ड्रम में 400 ml। तो गाइज, इसको डालते हैं हम, एक मिनट इसको खो। तो ये लीटर वाला गाइज, ये वाला, ये है 80 ml का, इसके हम 5 ढक्कन डालेंगे ड्रम में। तीन, ये 4 और ये 5। इस तरह से आपने 5 ढक्कन डालने से मिल के 400 ml हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपको मिलाना है। अभी हम स्प्रे स्टार्ट करेंगे, फिर आप स्प्रे का दिखाते हैं। ये हो रहा है गाइस TSO, ये इस तरह से थोड़ा हिलाना पड़ता है ताकि ये मिला रहे पानी के साथ इधर स्प्रेयर। ये TSO हो गया है इस पेड़ों में, और पीछे TSO हो रहा है, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। मेरे को तो यहाँ पे रखा है ड्रम के पास हिलाने के लिए, इसको घुमाते रहूंगा पूरे दिन। इस तरह से TSO किया जाता है, और जब इसमें पेड़ों में हल्की हल्की पत्तियां आती है तो उस टाइम TSO किया जाता है, ताकि इंसेक्टिसाइड भी काम करे और TSO भी काम करे, स्केल स्कूल से बचा के रखता है जो स्केल होती है, और हुलिया फेड होता है जो, और बाकी कीटनाशक डालते हैं ताकि पत्ते खराब ना हो, पत्ते साफ रहे, कीड़े ना लगे पत्तों में और पेड़ों में। तब इस सारे में TSO करता है हमारे को। अभी रोमी भाई का कर रहे हैं, फिर मैं अपने खेत का भी करूंगा TSO। अपने खेत में टाइम नहीं लगेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा अपने खेत में, तो इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह आपको हिलाते रहना इसको, अभी इसके बाद हमने दूसरे ड्रम में भी मिलाना है दवाई TSO और इंसेक्टिसाइड, और 2 किलो यूरिया भी डाल रहे हैं हम इसमें, ताकि बीम के लिए सही रहता है वो। अभी इस टाइम पे बीम में ग्रोथ वगैरह स्ट्रांग हो जाता है बीम,
इसलिए थोड़ा 2 किलो यूरिया भी डाल रहे हैं और TSO भी और इंसेक्टिसाइड भी। को पेड़ में चारों चार से अच्छे से TSO करना है ताकि अच्छे से लगे वो पूरे पेड़ में, और जो बीमारी वगैरह हो, स्केल हो, कीटनाशक करेगा कीड़े वगैरह मारने का काम, और जो TSO वो स्केल हुलिया फेड वगैरह उसको साफ करता है और पेड़ में गर्मी पैदा करता है ताकि अच्छे से फ्लोरिंग हो, इसके बाद अच्छे से पत्ते निकले, कोई बीमारी ना लगे पत्तों में। तो इसलिए गाइस करते हैं TSO। इस तरह से हिलाते रहना है आपको ताकि नीचे ना बैठे कोई भी दवाई, मिले रहे पानी के साथ ताकि पेड़ों में अच्छे से हो पाए। इस तरह से गाइस आप लोगों को स्प्रे करनी है, अच्छे से पेड़ों को बिल्कुल गीला करना है ताकि दवाई अच्छे से लगे हर टहने में, हर छोटे से छोटी टहनियों में। पूरे अंदर तक स्प्रे करनी है पेड़ों में ताकि पूरा पेड़ गीला हो और अच्छे से दवाई पूरे टहनियों में, हर टहनियों में लगे और अच्छे से काम करे, ताकि TSO आप बारिश के मौसम में ना करें, वेदर देख के ही स्प्रे करें। इसके लिए टेम्परेचर भी 18 से 20 25 तक चल पड़ेगा, इतने टेम्परेचर में इसको करें आप लोग, 16 17 18 जितना भी आप लोगों को करना है। जारी ठंड में कोई फायदा नहीं है उतना करके इसको, और ये खुद भी गर्म दवाई होती है, ये पौधों को गर्म करती है, गर्माइश लाती है ताकि भीम वगैरह और छोटी मोटी बीमारियां और अच्छे से फ्लोरिंग हो, अच्छे से पौधा स्ट्रांग रहे, कोई बीमारी ना लगे। ये एक तरह का ऑयल होता है, तो गाइस इस तरह कर रहे थे हम TSO। देखो गाइस मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं किसी चीज़ के बारे में पूरा अच्छी तरह से नहीं बता सकता, बट ये है कि मैं तो फिर थोड़ा बहुत बता लेता हूँ। अगर मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ आप लोग कमेंट बता लेना, तूने ये गलत बताया या ये सही बताया। ज़्यादा नॉलेज है नहीं मेरे को, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है। तो गाइस मैं बिल्कुल इन चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी गाइस जितना पता है उतना मैं बता लेता हूँ। तो गाइस गलत बताऊँगा सही बताऊँगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही न्यू वीडियो लेके आता रहूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।